वेरी गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी विल डिस्कस इन आवर फर्स्ट क्लास अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें हम अभी तक देख चुके थे बंगाल के एक्विजिशन तक हम पहुंच चुके थे, फ्रॉम अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू फ्रॉम अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू हम देख चुके हैं ब्रिटिश कैसे कॉन्कर करते हैं इंडिया को और बाकी सभी को पीछे छोड़ते हैं, अदर यूरोपियन पावर्स को। और इसमें हमने शुरुआती जो एक्विजिशन ऑफ बंगाल है उसका जो फर्स्ट फेज है उसे देख लिया था, विच इज़ बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल के बारे में हमने उससे पहले की क्लास में देखा था कि बंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स रिच एक प्रोविंस था जो कि मुगल एम्पायर के लिए भी इम्पॉर्टेंट था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी इम्पॉर्टेंट था। और उसके साथ ही यहाँ जो भी नवाब ड्यूरिंग 1740 टू 1757 रहे उन्होंने इसकी प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाया। और उसके बाद ब्रिटिशर्स को जो रॉयल मुगल एम्पायर की तरफ से कुछ रियायतें या छूट मिली थी उनकी वजह से ब्रिटिशर्स का बंगाल के ट्रेड में काफ़ी फ़ायदा हो रहा था और जो नवाब है या जो सरकारी ख़जाना है उसका नुकसान हो रहा था। ये इनिशियल कॉज रहा था ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के बीच एक तरह से टसल पैदा होने का, स्ट्रगल पैदा होने का, जो कि मुर्शिद कुली खान से लेकर अली वर्दी खान के समय तक आते आते बंगाल के नवाबों ने रियलाइज़ कर लिया था। और हर एक नवाब की ये शिकायत रहती थी कि वाई ब्रिटिशर्स गॉट सो मच इम्पोर्टेंस इन द ट्रेड ऑफ बंगाल एंड वाई दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टू मच टैक्स लिवाइज। तो इस तरह से जब बंगाल में ब्रिटिश और नवाब के बीच के टसल उभर कर सामने आने लगे थे उसी समय अली वर्दी खां के बाद जो सिराजुद्दौला नाम के नवाब बंगाल में आए थे उनका जो इम्पल्सिव नेचर और इनएक्सपीरियंस्ड जो उनका रूलिंग का जो एक्सपीरियंस नहीं था उसकी वजह से कुछ दिक्कतें सामने आई। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को ये मौका मिला कि वे बंगाल को आसानी से अपने कब्जे में ले सकें। ये सब बातें हम पिछले क्लासेस में पूरी कर चुके थे और बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था, सिराजुद्दौला मारे गए थे और अब मीर जाफर नए बंगाल के नवाब बनाए गए थे जो कि ब्रिटिशर्स के हाथों की कठपुतली थे। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में अगर मैं कहूँ तो सिराजुद्दौला अपने नवाब बनने के साथ ही बहुत सारे दुश्मनों से घिरा हुआ था। उनके अपने कज़िन, उनकी आंट और ख़ुद के सेनापति, इसके अलावा बहुत सारे रेपुटेटेड पीपल जो रहते थे वहाँ, पैसे वाले लोग बंगाल में उनके दरबार में, ये सब सिराज को पसंद नहीं करते थे। और सिराज ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, कुछ अपने राइवल्स का उन्होंने मर्डर किया और कुछ के खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। इन सब वजहों से सिराज के खिलाफ एक अच्छा खासा गुट तैयार हो गया था जिसने कंपनी का साथ दिया और आखिरकार बैटल ऑफ प्लासी में उनकी हार हुई। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज पॉइंट्स नाउ अब हम देखेंगे बंगाल में इसके बाद आगे क्या हुआ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। सिराजुद्दौला के जाने भर से अभी चीज़ें पूरी तरह से ब्रिटिश के पक्ष में नहीं आ गई हैं, बल्कि कुछ और चीज़ें अभी होनी शेष हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी हमने देख लिया है, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी इसमें एक इंसिडेंट है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। सो आफ्टर ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, इसके बाद सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है या उनको मार दिया जाता है भाई मीर जाफर सन, जिनका नाम मीरन है। इसके बाद एक तरह से अंग्रेज़ों के हाथ में सारे रिसोर्सेस लग जाते हैं बंगाल के, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, ही गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी एंड द जमींदारी ऑफ 24 परगनाज। तो न सिर्फ काफ़ी कुछ उन्हें पैसा मिलता है बल्कि ज़मींदारी भी मिलती है, और ज़मींदारी को लेकर ब्रिटिशर्स की क्या सोच थी, किस तरह से वो इसे ह्यूज प्रॉफिट गेन करने वाला एक साधन मानते थे वो हमने पहले देखा है। इसीलिए ज़मींदारी हम बहुत सारे स्टे 24 परगना की ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। द बैटल ऑफ प्लासी हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसके बाद हमें ये समझ में आएगा धीरे धीरे जब हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स आगे बढ़े हैं, तो जो शुरुआत है ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन की वो शुरू हो चुकी है और द बैटल ऑफ प्लासी इसका पहला पड़ाव है।
The battle established the military supremacy of the English in Bengal. Their main rivals, Britishers के main rival French, were outstripped. तो हमने ये पहले भी देखा है why British conquered India या why British gained more prominence among other European powers. उसमें हमने समझा था कि कैसे Britishers French, Portuguese और अदर यूरोपियन पावर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर पाए, ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो पाए इंडिया में. और यहाँ पर उसका एक रीज़न बंगाल में इनकी विजय होना भी है. बंगाल पर अधिकार ही एक हिसाब से फ्रेंच को आउट कर देता है सीन से. अब इसके बाद जो साउदर्न रीजन है वहाँ तक फ्रेंच सीमित रहेंगे, और उसके बाद वहाँ भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ बंगाल जो उन्हें फाइनेंशियली मजबूती मिलती है उससे वो फ़ायदा उठाकर अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी को और बढ़ाते हैं और फ्रेंच को भी आउट कर देते हैं गेम से. तो आफ्टर दैट अब हम एक जो नई बात समझेंगे बंगाल में वो होगी मीर कासिम एंड द ट्रीटी ऑफ 1760. इस तक हमें पहुंचना है और इस तक पहुंचने के लिए हम पूरा भी देखेंगे व्हेन मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल देन व्हाट हैपेंड. उसके बाद जो हुआ वो कुछ इस प्रकार है. मीर जाफर वॉज इंक्रीजिंगली इरिटेटेड बाई द इंटरफेरेंस ऑफ क्लाइव. क्लाइव वही है, लॉर्ड क्लाइव, जिन्होंने हराया था सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में. इनका इंटरफेरेंस बंगाल की जो डिसीजन मेकिंग है या पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, जिसको मीर जाफर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मीर जाफर यह सोच के ब्रिटिशर्स को अपने साथ लिया हुआ था या ब्रिटिशर्स से उसने हाथ मिलाया था कि एक बार सिराजुद्दौला को हरा दिया जाएगा और उसके बाद बंगाल की सत्ता उसके हाथ में होगी, और उसे सिर्फ कुछ पैसे देकर या कुछ ब्रिटिशर्स की डिमांड पूरी कर खुद का शासन करने का मौका मिलेगा और वो आज़ादी से अपना रूल कर पाएगा. बट उसका ये सपना जल्दी टूटा जब उसे इन चीज़ों का रियलाइजेशन होने लगा कि ब्रिटिशर्स तो अब एक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं बंगाल की पॉलिटिक्स में, और मीर जाफर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वह सिर्फ एक कठपुतली नवाब या एक पपेट नवाब की तरह रहे. तो इस रियलाइजेशन ने मीर जाफर को काफ़ी इरिटेट किया एंड ही एंटर्ड इन टू अ कॉन्स्पिरेसी विथ द डच इन चिंसुरा हुगली बाइडेरा. ये सब एक ही जगहों के को डिनोट करने वाली नाम है. ब्रिटिशर्स से इरिटेट होकर मीर जाफर ने, क्योंकि अब फ्रेंच तो पिक्चर में नहीं थे तो डच सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे यूरोपियन आफ्टर ब्रिटिशर्स इन दैट रीजन, तो उसने डच के साथ एक कॉन्स्पिरेसी या एक अलायंस करने का सोचा. ओके, बट द डच वर डिफीटेड एंड हम्बल्ड बाय द इंग्लिश फोर्सेस एट बाइडेरा या बेदरा. तो आपको हमने पिछली क्लासेस में बताया था बैटल ऑफ चिंसुरा या के बहुत सारे नाम थे. बैटल ऑफ आप उसे चिंसुरा कह सकते हैं, बैटल ऑफ उसे आप बाइडेरा कह सकते हैं, इसे हिंदी में बेदरा भी कहा जाता है, और बैटल आप इसको हुगली भी कह सकते हैं. ये तीनों एक ही बैटल के नाम हैं और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है. उसको हमने एज अ फैक्ट तब पढ़ा था, इस ईयर में हुआ था, और ये डच और ब्रिटिश के बीच जो विवाद थे उसमें हमने ये पढ़ा था, और आज हमने उसको इस तरीके से जो हमारी कहानी में हिस्सा बन चुका है अब उसके तौर पर पढ़ा है. सो जो बैटल ऑफ बाइडेरा चिंसुरा है, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ मीर जाफर कॉन्स्पिरेटिंग विद डच अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड लेटर ऑन डच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश और ब्रिटिशर्स. तो द बैटल का जो टाइम पीरियड है वह नवम्बर 1759 के आसपास का. The treachery of Mir Jafar and his failure to make the payments due to the company annoyed the English as well. अब मीर जाफर ने जो ये गद्दारी की है और उससे जो expected payment मिलना था उसको मिलना जब वो कम हो गया है, तो अब कंपनी भी या अंग्रेज भी मीर जाफर से नाराज हो जाएंगे. तो दोनों के बीच में फिर जो कि एक अच्छा अलायंस बना था जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को हटा कर मीर जाफर खुद नवाब बना था, वो अलायंस अब अपनी बिटरनेस की तरफ बढ़ रहा है और ये टूटने की कगार पर है. इसके साथ ही एक और घटना होती है. मीनवाइल मीरन द सन ऑफ जाफर डाइड एंड देयर स्टार्टेड अ फाइट ऑफ नवाबशिप ऑफ बंगाल
मीर कासिम द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर एंड मीरन सन। इस बात को ठीक से समझेंगे हम, मीरन वही है जिसने सिराजुद्दौला को मर्डर करवाया था और ये मीर जाफर का बेटा है। तो मीर जाफर अभी नवाब है, ये तो ठीक है, बट सेकेंड इन लाइन एक्सपेक्टेड नवाब आफ्टर मीर जाफर होगा मीरन। ये उस समय अगर हम उस समय में जाकर देखें, सोचें उस समय की परिस्थितियों को, तो मीरन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अगला नवाब बनेगा। यहाँ तक बात ठीक है, बट मीरन डाइड आफ्टर, जब मीरन की डेथ हो जाती है मीर जाफर के नवाब रहते हुए ही, तो मीरन का सन यानी कि मीर जाफर का ग्रैंड सन ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब सेकंड इन लाइन वो आ चुका है, बिकॉज मीरन तो पिक्चर से बाहर। तो जो मीर जाफर का ग्रैंड सन है या मीरन का जो सन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं बनूंगा नवाब। बट मीन वायर यहाँ पर एक और व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि क्लेम करता है कि नवाबियत उसे मिलनी चाहिए। ओके, वो कौन है? वो है मीर जाफर, जो कि सन इन लॉ है, यानी कि मीरन के आसपास का है, मीर कासिम सन इन लॉ है मीर जाफर का। ही ऑल्सो क्लेम द नवाबियत, एंड जो ये मीर जाफर का ग्रैंड सन है और जो मीर कासिम है, इन दोनों के बीच अब राइवलरी हो चुकी, बिकॉज दे बोथ वॉन्ट टू गेन द नवाबियत ऑफ बंगाल। इस पिक्चर में अब क्योंकि आप पुरानी जो बैकग्राउंड है उसे समझेंगे, तो मीर जाफर से कंपनी नाराज है और मीर जाफर खुद कंपनी से नाराज है, एंड इन बिटवीन एक पॉइंट मिल गया है जहाँ पर दो गुट हैं जो आपस में लड़ रहे हैं आने वाले समय में कौन नवाब बनेगा उसे लेकर। तो इस पूरी सिचुएशन में जो फ़ायदा उठाते हैं वो हैं ब्रिटिशर्स। थ्रू आउट द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, वो ये था कि जहाँ कहीं भी दो पक्षों में लड़ाई है किसी जगह को लेकर, मैं वो एक पक्ष का साथ देकर उसे जिताने की कोशिश करते हैं, और देन आफ्टर उस पक्ष से जिसे जिताया होता है उससे अपनी डिमांड्स को पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज होल मेन या क्रक्स पॉइंट कह सकते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का। तो इसमें फिर आते हैं ब्रिटिशर्स लाइमलाइट में। वेंसिटार्ट द न्यू गवर्नर ऑफ कैलकटा एग्रीड टू सपोर्ट मीर कासिम्स क्लेम आफ्टर अ ट्रीटी बिटवीन मीर कासिम एंड द कंपनी वाज साइंड इन 1760। इसमें पक्ष लेती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम का अगेंस्ट मीरन सन, और उन्हें वादा करती है कि वह उन्हें नवाब बनाएंगे अगला, इसके बदले में कुछ रियायतें या फिर कुछ लाभ उन्हें देने पड़ेंगे, मीर कासिम को देने पड़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसके लिए ट्रीटी साइन की जाती है 1760 में। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रीटी एज फॉलोज। तो उस ट्रीटी में क्या क्या था, उसमें कुछ मेन जो मुद्दे हैं, सेलिन फीचर्स हैं उसके, उनको देखते हैं। मीर कासिम एग्रीड टू सीड द कंपनी द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बर्दवान मिदनापुर एंड चिट्टागोंग। इसके लिए मीर कासिम एग्री होते हैं कि बर्दवान मिदनापुर और चिट्टागोंग को कंपनी को दे दिया जाएगा, एंड द कंपनी वुड गेट हाफ ऑफ द शेयर इन चूनम ट्रेड ऑफ सिलहट। चूनम एक खास तरह का केमिकल होता था जिसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था उस समय पर, और इस सिलहट जो कि आजकल आसाम का एरिया है, एट दैट टाइम इट वॉज इन बंगाल, तो इस ट्रेड पर का आधा शेयर यानी कि 50%, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल इसका ट्रेड होता था, इस ट्रेड में 50% शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी का डिसाइड कर लिया गया इस ट्रीटी के अनुसार। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्दवान मिदनापुर और चिट्टागोंग मिल गए, और उसके अलावा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में 50% शेयर मिल गया। मीर कासिम ऑल्सो एग्रीड टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द कंपनी। ये आउटस्टैंडिंग ड्यूज वो हैं जो मीर जाफर पे नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी उससे नाराज थी, और इसके साथ ही मीर जाफर ने गद्दारी भी की थी कंपनी के साथ बाई कॉन्स्पिरेटिंग विद द डच। तो अब कंपनी अपना वो नुकसान भी भरपाई कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी गेन कर रही है, और कुछ इलाके भी अपने अंदर ले रही है। इसका मतलब कंपनी पूरी तरह से अपनी हर बातों को मनवा रही है जस्ट टू अश्योर दैट मीर कासिम गेट द नवाबियत। और मीर कासिम ने भी सिंगल पॉइंटेडली सिर्फ ये सोचा है कि उसे नवाब बनने का मौका मिल जाए, उसके बदले में वो कुछ भी प्रॉमिस करने के लिए तैयार है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज मीर कासिम प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ 5 लाख रुपीज टूवर्ड्स फाइनेंसिंग द कंपनीज वॉर एफर्ट्स इन साउदर्न इंडिया। जो कार्नेटिक वॉर चल रही है उनके लिए भी मीर कासिम प्रॉमिस करता है कि वो 5 लाख रुपीज तक फाइनेंस करेगा उनकी वॉर को, उसमें जो पैसे का खर्चा होगा वो मीर कासिम उठाएगा। तो इस तरह से
पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको फायदा ही फायदा दिखेगा हर जगह। और उसको सिर्फ इतना करना है कि अब मीर जाफर को हटाना है और मीर कासिम को नवाब बनवाना है, जो कि एक आसान काम है कंपनी के लिए। तो आई होप इतनी बात अभी तक क्लियर होगी कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी व्हेन मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, किस तरह से मीर जाफर और कंपनी के बीच कुछ रिश्तों में खटास पड़ती है। एक वॉर लड़ा जाता है डच के साथ कंपनी का, और उसके बाद ये रियलाइजेशन हो जाता है कि अब मीर जाफर को हटाना ही पड़ेगा। और इसका एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है जब मीर जाफर के सन इन लॉ और उनके ग्रैंड सन के बीच सक्सेशन, अगली नवाबियत के लिए स्ट्रगल शुरू होता है। और इसका फ़ायदा उठाकर कंपनी एक ट्रीटी करती है जिसमें पूरे के पूरे फायदे ही फायदे अपनी तरफ ले लेती है, और मीर कासिम को वादा करती है कि वो उन्हें नवाब बनाएगी। कुछ दो पॉइंट और ट्रीटी के बचे हैं, वो है इट वॉज एग्रीड दैट मीर कासिम्स एनिमीज वर कंपनीज एनिमीज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मीर कासिम को इस ट्रीटी से क्या मिला। पहली चीज़ तो उन्हें नवाब बनाया जाएगा, दूसरी चीज़ है उनके जो दुश्मन है और जो उन्हें कंपनी भी अपना दुश्मन मानेगी, और मीर कासिम के जो दोस्त हैं कंपनी भी उन्हें अपना दोस्त मानेगी। एक तरह से ये हो चुका है अलायंस। ठीक, तो मीर कासिम प्लस अदर्स अब कंपनी के भी, कंपनी प्लस मीर कासिम एंड अदर्स होंगे, जो भी इनके फ्रेंड हैं ये इनके भी फ्रेंड हैं, एंड मीर कासिम माइनस अदर्स, कंपनी माइनस अदर्स, जो मीर कासिम के दोस्त वो कंपनी के दोस्त। इस तरह से मीर कासिम को एक एश्योरिटी मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलती है कि उनकी नवाबियत बरकरार रहेगी। इसके अलावा इट वॉज एग्रीड दैट टेनेंट्स ऑफ द नवाब्स टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड टू सेटल इन द लैंड्स ऑफ द कंपनी एंड वाइस वर्सा। नवाब की जो राज्य क्षेत्र है, जो उनका एरिया है, उसमें रहने वाले लोग, जैसे कि आप किसी मकान में किराएदार रहते हैं उस तरह से, उन्हें कंपनी की ज़मीन में सेटल नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से कंपनी की ज़मीन, कंपनी को वहाँ ज़मीन नहीं दी जाएगी जहाँ बंगाल की प्रजा या वहाँ के जो टेनेंट्स कह सकते हैं आप, नवाब के अंडर जो है वो रहते हैं। कंपनी को कोई ऐसी जगह अलॉट की जाएगी भविष्य में अगर उन्हें आवश्यकता पड़ी तो, जो नॉन नो मैन लैंड टाइप का हो या जहाँ किसी तरह से कोई रिहायशी इलाके ना हो। ये एक अनदर रीज़न था जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्या हो रहा था बंगाल में, कंपनी बहुत सारे एरियाज पे कब्जा कर चुकी थी, अपना सेटलमेंट बना चुकी थी, जिसके जवाब में आने आने वाले टाइम में नवाब ने भी कंपनी के कुछ इलाकों में बंगाल के लोगों को सेटल करना शुरू कर दिया था। और इसका विरोध कंपनी नहीं कर पाती थी, क्योंकि अगर 90% एरिया कंपनी के पास है तो 10% में रिहायशी इलाके रहा करते थे। इस तरीके से एक पूरा का पूरा जो स्पेस है वो स्ट्रगल का फील्ड बन जाता था बिटवीन कंपनी एंड द नवाब। लेकिन अब चूंकि ये नए नवाब थे मीर कासिम, तो इस पूरे विवाद को का समाधान करने के लिए एक पॉइंट ट्रीटी में जोड़ा गया स्पेसिफिकली कि भाई जिस जमीन पर कंपनी है उस जमीन पर कंपनी रहेगी, और जिस जमीन पर रिहायशी इलाके हैं उस जमीन पर रिहायशी इलाके रहेंगे, दोनों एक दूसरे के एरिया में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो पूरी मिलाकर ट्रीटी के कुछ पॉइंट्स हमें समझ में आ चुके हैं। शुरुआत के जो चार पॉइंट हैं वो पूरी तरीके से कंपनी को जो बेनिफिट्स हैं उनको रिलेटेड है। इसमें बर्धमान, मिदनापुर और चिट्टागोंग मिलता है, चूनम ट्रेड में 50% का शेयर मिलता है, और जितना भी मीर जाफर के द्वारा नहीं दिया गया पेमेंट था, आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, उनको पे करने की अश्योरिटी मिलती है। इसके साथ ही साउथ में जो कंपनी के वॉर्स हैं उनको फाइनेंस करने की भी अश्योरिटी मीर कासिम के द्वारा मिलती है। बदले में मीर कासिम को नवाब बनाने का वादा मिलता है। उसके अलावा उनके दोस्त कंपनी के दोस्त माने जाएंगे और उसके दुश्मन कंपनी के दुश्मन माने जाएंगे, जिसकी वजह से मीर कासिम को श्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है एज अ नवाब। और जो कि ज़मीन को लेकर भविष्य में होने वाला विवाद हो सकता था, उसको यहाँ पर सेटल कर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये था ट्रीटी का लबुलवाब। अंडर द प्रेशर ऑफ द कंपनी मीर जाफर डिसाइडेड टू रिजाइन इन फेवर ऑफ मीर कासिम। तो मीर जाफर बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी वॉर के एग्री कर जाते हैं कि वो मीर कासिम को अगला नवाब बनाएंगे। फिर तो मीर जाफर खुद जानते थे कि वो एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू नवाब बने हैं, और अब अगर वो बैटल करना चाहें
तो ही इज़ वेल अवेयर दैट कंपनी की कैपेबिलिटीज क्या है और वो किस तरीके से उसे हरा सकती है। मीर जाफर ने समझदारी इसी में समझी कि चुपचाप कंपनी की बात मान लें और अपना आराम से रहने का कुछ बंदोबस्त कर दें और मीर कासिम को अपना नवाब बना दिया जाए। सो मीर जाफर जब डिसाइड कर लेते हैं कि वो मीर कासिम के फेवर में पद छोड़ देंगे तो उनके लिए एक 1500 रुपीज़ पर एनम की जो पेंशन है कंपनी फिक्स कर देती है, जिसकी वजह से मीर जाफर शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता सके। तो ये सब हो जाता है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो सिराजुद्दौला गए, मीर जाफर भी गए और अब मीर कासिम आ चुके हैं। नाउ मीर कासिम क्या करेगा, हम उस पर नज़र देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं। मीर कासिम वॉज द एबलेस्ट नवाब अमंग द सक्सेसर्स ऑफ अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के बाद जितने भी नवाब आए उनमें सबसे ज़्यादा योग्य नवाब था मीर कासिम। कैसे था अब हम देखते हैं। अली वर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला। आपने उनके बारे में पढ़ा ही है, कैसे वो बैटल ऑफ प्लासी हारते हैं, किस तरह से वो कॉन्स्पिरेसीज का शिकार होते हैं और उन्हें संभाल नहीं पाते हैं। उसके बाद आपने देखा मीर जाफर जो कि कठपुतली नवाब थे और जब उन्होंने अपने अनुसार रूल करने का सोचा तो कैसे उन्हें हटाया गया है। तो अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला और मीर जाफर तो उतने एबल्ड नवाब साबित नहीं हुए, लेकिन अब मीर कासिम आए हैं और हम कह रहे हैं कि वो इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा योग्य थे। कैसे, अब हम देखेंगे वो किस प्रकार से थे। तो आफ्टर एज्यूमिंग पावर यानी कि नवाब बनने के बाद मीर कासिम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में पड़ता था और मुंगेर जो बिहार से लगा हुआ इलाका था वो भी बंगाल के अंदर ही आता था, लेकिन कंपनी के जो सेटलमेंट है उनसे दूर था। तो ये पहला डिसीजन लेते हैं मीर कासिम आते ही कि वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। अब इसका क्या रीज़न रहा होगा इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बोथ द प्लेसेस। ठीक है, ज्योग्राफी के अनुसार मान लीजिए कि ये कलकत्ता के पास एक सेंटर है कंपनी का। मान लीजिए इतना पूरा इलाका वेस्ट बंगाल या सॉरी बंगाल का आता है और समंदर के पास यहाँ कहीं है कलकत्ता समय का, और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का भी पावर सेंटर है प्लस नवाब भी है। कलकत्ता के पास ही है मुर्शिदाबाद, तो आप उसे मुर्शिदाबाद भी समझ सकते हैं। अब मीर कासिम जैसे ही बनते हैं नवाब तो ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं एक दूसरी जगह जिस जो है मुंगेर। मुंगेर पड़ता है बिहार के बॉर्डर पे, उस समय बंगाल की टेरिटरी में आता था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देते हैं। अब नवाब तो चले गए मुंगेर, सारे की सारी पॉलिटिक्स होगी मुंगेर से और ट्रेड करने वाली कंपनी रह गई मुर्शिदाबाद, क्योंकि उसकी मजबूरी है मुर्शिदाबाद के पास रहना बिकॉज पोर्ट यहाँ से नज़दीक है, ये बे ऑफ बंगाल यहाँ से नज़दीक है। तो ये इसके दूरगामी परिणाम थे कि कंपनी की जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में उससे बचने के लिए मीर कासिम आते ही अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं कंपनी के प्रभाव क्षेत्र से दूर ले जाकर। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि मीर कासिम के इरादे क्या हैं। अब वो नवाब बनने तक ही कंपनी को बहुत रियायतें दे रहे थे, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध होने तक ही उनकी कोशिश थी कि वो कंपनी को बहुत सारी रियायतें देकर खुद नवाब बन जाए। आफ्टर बिकमिंग नवाब अब वो कोशिश करते हैं कि कैसे कंपनी के चंगुल से बाहर निकलें और वहाँ की पॉलिटिक्स को आज़ाद करें। सो द मूव वॉज टेकन टू अलाउ अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द कंपनी एट कलकत्ता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हिज अदर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स वर रीऑर्गेनाइजिंग द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से मतलब है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, राजा अपना काम किसके थ्रू करवाता है, जिनके थ्रू करवाता है ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे मंत्री, उन सब से मिलकर बनती है राजा की ब्यूरोक्रेसी। तो बंगाल से मुंगेर तो शिफ्ट हो गए, लेकिन अगर कंपनी के ही वफादार लोग आपकी ब्यूरोक्रेसी में हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी लॉयल्टी कंपनी की तरफ है ज़्यादा नवाब की अपेक्षा, तो फिर आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे
अपना रूल असर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा स्टेप मीर कासिम लेते हैं कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को रीऑर्गेनाइज करते हैं विथ द मैन ऑफ हिज ओन चॉइस एंड रीमॉडलिंग द आर्मी टू इन्हेंस इट्स स्किल एंड एफिशिएंसी। दो तरीके के काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, अपने वफादारों को भरना शुरू करते हैं जिससे एक तरीके से वो संतुष्ट हो सकें कि जो कामकाज है राजकाज है वो उनके अनुसार चलेगा। दूसरा वो कोशिश करते हैं कि जो आर्मी है उसकी स्किल को बढ़ाया जाए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जिस दिशा में मीर कासिम काम कर रहे हैं उसका अंजाम यही होना था कि ब्रिटिशर्स के साथ एक ना एक दिन उनकी डायरेक्ट स्ट्रगल होनी थी, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स अगर ब्रिटिशर्स भी देखेंगे तो उन्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि मीर कासिम भी अब उनके चंगुल से बाहर निकलना चाहता है जैसे कि मीर जाफर निकलना चाहता था। कुल मिलाकर मीर जाफर धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने जितने भी वो दायरे हैं जहां कंपनी उनको बांधने की कोशिश करती है उन दायरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो राजधानी शिफ्ट करके करना हो, ब्यूरोक्रेसी में अपने भरोसे के लोगों को शामिल करके करना हो, या फिर आने वाले समय में किसी भी तरह के स्ट्रगल से तैयार रहने के लिए आर्मी को रीमॉडल करना हो, ये सारे काम मीर कासिम करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, द कंपनी हैड थॉट दैट मीर कासिम वुड प्रूव टू बी एन आइडियल पपेट फॉर देम। हाउएवर मीर कासिम बिलाइड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी। राम नारायण द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड रिक्वेस्ट बाई नवाब टू सबमिट द अकाउंट्स ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ बिहार। ये दो बातें ध्यान में रखने लायक होंगी कि कंपनी जिसने कि सोचा था कि अब मीर कासिम के आने के बाद उन्हें एक आइडियल पपेट मिलेगा, बिकॉज जिस ट्रीटी के तहत वो आए थे उस ट्रीटी में उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स को मान लिया था कंपनी की, और इससे कंपनी को लगने लगा था कि ये आदमी पूरी तरीके से उनके कब्जे में है, ये हम जो बोलेंगे वही यह करेगा। वो एक्सपेक्टेशन कंपनी की नाकाफी साबित हुई, उनको झटका लगा मीर कासिम के इन डिसीजंस की वजह से। इसके एवज में कंपनी ने अपना एक लॉयल राम नारायण जो कि बिहार का गवर्नर था उसको मीर कासिम के रास्ते में अड़ंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। मीर कासिम ने जब मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी तो वहाँ के रेवेन्यू डिटेल्स और अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी थी एडजेसेंट स्टेट में जो संभाल रहे थे मुंगेर का इलाका भी, बिहार के गवर्नर राम नारायण से। बट राम नारायण जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले हुए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा आनाकानी की इस तरह से अकाउंट को मीर कासिम को देने से। इससे मीर कासिम थोड़े से फ्रस्ट्रेट होंगे और नवाब को जब कोई गवर्नर की डिमांड ना माने तो नवाब जाहिर तौर पर नाराज होगा, और ये वजह है कि एक तरह का टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ मीर कासिम्स डिसीजन एंड कंपनी की जो कॉन्स्पिरेसी है उसकी वजह से। मीर कासिम कुड नॉट टॉलरेट दिस ओपन डिफाइंस ऑफ हिज अथॉरिटी बट राम नारायण वॉज सपोर्टेड बाई इंग्लिश ऑफिसर्स इन पटना। तो ये वही बात है, मीर कासिम नाराज हो जाते हैं राम नारायण के इस एफर्ट से, और लेकिन राम नारायण को शक्ति मिलती है कहाँ से, ब्रिटिश ऑफिसर्स से। वो पटना में बैठ के उसे सपोर्ट करते हैं कि किसी भी तरह की गलती होने पर या मीर कासिम अगर आपके खिलाफ कुछ करता है तो हम आपको सेफ रखेंगे। द मिसयूज ऑफ द कंपनीज दस्तक ट्रेड जी The misuse of the company's dastak or trade permit by company officials also resulted in tensions between the Nawab and the English. So from Sirajuddaula till Mir Qasim, या फिर मैं कहूँ अली वर्दी खान से लेकर अभी तक या जितने भी बंगाल के नवाब रहे, सबकी कंपनी से एक ही जो मेन प्रॉब्लम बनी रही लंबे समय तक वो थी दस्तक का मिसयूज। इसके बारे में हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। ये जो दस्तक का मिसयूज था ये अब मीर कासिम के साथ भी एक पॉइंट ऑफ या बोन ऑफ कंटेंशन बन जाएगा मीर कासिम और कंपनी के बीच। तो दस्तक और ट्रेड परमिट के बारे में शॉर्ट में अगर हम समझें तो इट इज़ अ परमिट विच एग्जेम्प्टेड द गुड्स स्पेसिफाइड फ्रॉम पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि किसी भी तरह के माल की आवाजाही एक टेरिटरी के अंदर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा किसी भी तरह के पेमेंट ऑफ ड्यूटी, या फिर सरल शब्दों में कहें तो किसी भी प्रकार के टैक्स देने से। इससे कम माल की आवाजाही आसानी से होती है और उस पर फायदा भी होता है, पैसे खर्चे कम होते हैं। ये कंपनी के लिए एक फायदेमंद सौदा था और इसका मिसयूज टेंशन का कारण बनता है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच भी, जैसा कि पिछले नवाबों के द्वारा भी हो रहा था।
उसके अलावा राम नारायण का बिहेवियर और कंपनी का उसे सपोर्ट देना, ये भी टेंशन बढ़ा रहा है मीर कासिम और कंपनी के बीच। दूसरी ओर मीर कासिम के डिसीजन, अपनी ब्यूरोक्रेसी में चेंज लाना, अपनी आर्मी को रिमॉडल करना, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेना, ये भी कंपनी के मन में कुछ संदेह पैदा कर रहे हैं मीर कासिम को लेकर। तो द नवाब कंपनी टसल ओवर ट्रांजिट ड्यूटी लेड टू द आउटब्रेक ऑफ वॉर्स बिटवीन इंग्लिश एंड मीर कासिम इन 1663। इतनी सारी चीज़ें होने पर बहुत सारी छिटपुट मुठभेड़ होती हैं कंपनी के बीच और नवाब की सेनाओं के बीच। बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज में वॉर लड़ी जाती हैं, फ्रॉम बंगाल टू द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ बिहार। इस पूरे रीजन में छुटपुट लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और अब जो टेंशन है वो खुलकर सामने आने लग गई है। द इंग्लिश गेंड सक्सेसिव विक्ट्रीज एट कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती और मुंगेर। ये छोटे छोटे जो इलाके हैं वहाँ पर अंग्रेज फोर्सेस नवाब की फोर्सेस को हराने लग गई हैं। इसका मतलब अब अंग्रेज जो है प्रोमिनेंस गेन करने लगेंगे, जैसे कि आपने देखा था कि इफ इट इज ये बंगाल का मैप और यहाँ कलकत्ता के पास कंपनी है और यहाँ मुंगेर में मीर कासिम ने अपनी शिफ्ट कर ली, तो कंपनी धीरे 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 इधर बढ़ेगी राजधानी की तरफ और बीच में जो जो इलाके आते जाते हैं वहाँ नवाब की सेनाओं से लड़ाई करते हुए जीत दर्ज करेगी। यही इलाके हैं कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती और मुंगेर के। मुंगेर इज द फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर राजधानी शिफ्ट कर चुकी का है मीर कासिम। मुंगेर पर जीत के बाद मीर कासिम फ्लेड टू अवध, मीर कासिम भाग जाते हैं अवध की तरफ जो कि है यूपी का रीजन, अवध का इलाका। ये बिहार भी बीच में पड़ता है, बिहार का कुछ इलाका भी पड़ता है, लेकिन ये यहाँ नहीं भाग सकते बिकॉज यहाँ अंग्रेजों के डोमिनेंस वाला या फिर अंग्रेजों का हिमायती एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये सीधे मुंगेर से शिफ्ट चले जाते हैं अवध की तरफ शरण लेने। सो मीर कासिम फ्लेड टू अवध एंड फॉर्मड अ कन्फेडरेसी विद द नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड, विद अ व्यू टू रिकवर बंगाल फ्रॉम इंग्लिश। तो मीर कासिम मुंगेर से भाग कर जाते हैं अवध और अवध के नवाब शुजाउद्दौला इन्हें सपोर्ट करते हैं। शुजाउद्दौला के अलावा जो मुगल एम्परर हैं वो भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, क्योंकि तो मुगल एम्परर को भी अब इंग्लिश खटकने लगे हैं, ब्रिटिशर्स खटकने लगे हैं, लेकिन वो इतने कमज़ोर हैं कि अकेले अब मुगल एम्पायर में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो ब्रिटिशर्स का सामना कर सकें। इसलिए और ख़ास तौर पर जो शाह आलम सेकेंड है उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ भी कम है। इनकी जगह अगर कोई एबल्ड मुगल रूलर होता तो वो इतनी पावर गेन करता और ब्रिटिशर्स को शायद उखाड़ फेंकता, जैसा कि औरंगजेब ने आफ्टर हुगली की लूट के बाद ब्रिटिशर्स के साथ बर्ताव किया था। लेकिन अब मुगल एम्पायर की वो ताकत नहीं बची है, तो शाह आलम सेकेंड द मुगल एम्परर एंड शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध हेल्प्ड मीर कासिम टू गेन बैक बंगाल फ्रॉम इंग्लिश। कैसे फिर ये एक आखिरी बैटल होता है जिसके बाद ब्रिटिशर्स ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है बंगाल में, इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। आई होप आज की क्लास में आपको इतनी बातें ठीक से समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द आवर क्लासरूम प्रोग्राम देन यू कैन कॉन्टेक्ट इन गिवन नंबर्स। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।